सब कैसी, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज मैंने एक नया ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करना सोचा। हम लोगों ने ना रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर लिया था। रक्षाबंधन के ऊपर भाई आ गया क्योंकि हम लोग सारे नहीं जा सकते, हम चार बहनें हैं तो चारों बहनें ही हम अलग अलग रहती हैं, कोई भी भाई के पास नहीं है। तो भाई आया था राखी बंधवाने अच्छे से, बहुत अच्छा लगा। तो वीडियो तो बनाया बट वो वाला वीडियो ना मैं आप लोगों के साथ इसके बाद ही पब्लिश करूँगी क्योंकि उसमें ना थोड़ी सी वो वीडियो बहुत ज़्यादा हिल रही है। भांजे ने बनाया था, बहुत ज़्यादा कैमरा हिल रहा है तो उसकी वजह से मेरे को ना वो वीडियो अच्छे से ठीक करना पड़ेगा थोड़ा सा होगा तो, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, भाई आया राखी बंधवा के मतलब चला गया। पता था कि मैं नहीं जा सकती लेकिन वो आ गया, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को। देखो रक्षाबंधन का त्यौहार ऐसा होता है कि कोई भी बहन मतलब अगर आस पास रहती है या नहीं रहती, अगर उसका भाई आ जाता है, अगर भाई आ जाता है तो मतलब बहन को थोड़ा सा अच्छा लगता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारी बहनें बहुत ज़्यादा ऐसी होती है, बहनें नहीं जा पाती लेकिन आजकल आसपास अगर किसी को भाई बना रखा है तो उसको अपना की बांध दो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अपना रियल ब्रदर हमारे पास नहीं आ सकता या हम उसके पास नहीं जा सकते तो बांध सकते हैं। और ध्रुव को भी मुस्कान ने राखी बांधी तो बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो रखा था कि दो दिन तक मम्मी देखो देखो मेरी राखी देखो मेरे, इसको इतना ज़्यादा मतलब नहीं पता लेकिन वो ना जिसे एक तो वॉच टाइप की लेके आई थी छोटी सी उसको देख के, और दूसरा लेकिन वो एक तो इससे खुल गई है, वो छोटी थी ना वीरा नाम से छोटी सी लेके आई थी भांजी, वो खुल गई है। और बस यही, और मैंने सोचा चलिए बहुत टाइम हो गया आप लोगों के साथ ब्लॉग नहीं शेयर किया तो आज मैं ब्लॉग शेयर कर दूँगा। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब कोई पूछता है ना ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे, ब्लॉग क्यों नहीं आए। तो मेरी फ्रेंड है एक, वो मेरे को बहुत ज़्यादा पूछती है बट यार मैं क्या बताऊँ, कुछ कई बार क्या होता है मूड ख़राब होता है, कई बार कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो नहीं शूट कर पाते, बस यही रीज़न था। लेकिन कोई बात ना, छोटा मोटा ऐसा होता रहता है। और बस अभी हमें जाना है बाहर कहीं तो 4:30 के आसपास टाइम हो चुका है। तो हस्बैंड सोए हुए हैं, उनकी नाइट शिफ्ट है आज डे वन से, हाँ मंगलवार है, बस 4-5 दिन हो गए। और एक बहुत ही बड़ी चीज़ अब वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ लेकिन अभी नहीं शेयर करूँगी, उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं शेयर करूँगी लेकिन मैं बहुत खुश हूँ जो मैं काम करने जा रही हूँ या फिर जो भी कोई काम है आप लोगों के साथ है, फिर नेटली मैं शेयर करूँगी जब वो मेरा काम पक्का फाइनल हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। चलिए करते हैं इंजॉय। और जो भी कोई पहली बार वीडियो को वॉच कर रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जो भी कोई नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। और गाइस दो दिनों के अंदर बहुत सारी मिठाइयाँ खा ली है हमने क्योंकि मिठाई खाते नहीं हैं लेकिन ही आते स्पेशली, लेकिन जब घर में आ जाते हैं ना तो मैं सच्ची बता रही हूँ मुझसे तो बिल्कुल भी ऐसे कंट्रोल ही नहीं होता कि मैं ना खाऊँ मिठाई, मिठाई खाए बगैर नहीं रह जाता। और इतनी यम्मी सी मिठाई ले गए थे पूरी बंदे, मैंने अच्छे से सबको अच्छे से टेस्ट करवाया, सभी अपने पड़ोसियों को सबको खिलाई, अभी मेरा भाई आया बहन आई लाए हैं मिठाई तो सबको खिलानी चाहिए। ऐसे तो जो हमारे घर में कितनी भी चीज़ें आती हो हम खुद खाते हैं तो ऐसे अच्छा नहीं होता है। जब आपको डब्बा ही दिखाती हूँ इसकी पैकिंग कितनी सुंदर है तो, सॉरी ये वाला डब्बा देखिएगा, आज मेरे को ये डब्बा बहुत अच्छा लग रहा था, इसका मैं यूज भी करूँगी। और मिठाई देखिए एक बचा हुआ पीस, तो ये ना मैं हस्बैंड को खिलाऊंगी क्योंकि इन्होंने बहुत ही कम खाई, इनको मैं दे देती हूँ तो खा लेते, नहीं नहीं खाते। और डब्बा देखिए कितना प्यारा है, कहाँ से आया है ये, बंगाली स्वीट्स नमकीन, वाह देखिए भाई किसको मंगवानी है तो मंगवा सकता है, ये जलंधर से दीदी लेके आई थी ये वाला डब्बा, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और इसकी पैकिंग देखिए डब्बे की कितनी प्यारी है भाई, मैंने तो मैं सच्ची बता रही हूँ मैंने ना बहुत कम खाई है इस तरह के डब्बों की मिठाई। मैं जो बात है मैं बता देती हूँ, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। और एक लेके आए थे, मुझे लगता है ये शायद भाई लाया था या बहन, मुझे नहीं पता, बट दोनों आए थे साथ में लेके आए थे। और ये इस तरह की कतली, इतनी सारी कतली खा ली हम लोगों ने। और मैं ऐसे सोचती हूँ कि ध्रुव को मैं एक एक दूँ बट ये इससे भी कंट्रोल नहीं होता, ये भी मेरी तरह ही है। और इनको रख देते हैं फ्रिज के अंदर,
और एक डब्बा मैंने मंगवाया था छोटा, मेरे को पता था कि मिठाई आएगी लेकिन मैंने छोटा मंगवाया था जैसे भाई को राखी बांधनी थी तब, तो ये लेके आई थी मैं। देखिए कॉर्न, तो इसके मैं बना रही हूँ सैंडविच, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, कल भी बनाए थे और सुबह भी। तो कल लेके आई थी बनाना, जिसकी मुझे बनानी है सब्जी, कच्चे बनाना है। और ये गाइस किसको पसंद है मुझे बताइएगा जरूर, यार मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन कल मेरे हस्बैंड मेरे साथ गए थे तो उनको लगी। ये परवल ले लो, परवल तो उनके लिए मैं लेके आई हूँ ये परवल, और इसके अंदर ये पड़े हैं सामान। और ये देखिए भाई छिलका, इन्होंने रखवाया था, बोला कि अपने आप बनाना खाया, फिर बोले मैंने फेस पे मसाज करनी है इसके, ठीक है। और ये इससे भी मिल लीजिए भाई, मिट्टू राजा हमारे छोटे से, कितना सुंदर है ना, रोहित लाया था भाई अपने छोटे भाई के लिए, रोहित मुस्कान दोनों, कोई भी दीदी है ना। ये देखिए नार कैसे मिला रहा है, कैसे खुश हो रखा है, अल्ले बाप रे कितना सुंदर है भाई, बहुत ही प्यारी नार लगा रहे थे। ओए मिठू, मिठू चल लड्डू के पास बिठाती हूँ, लड्डू यहाँ सोया हुआ है। ध्रुव ध्रुव ये देखो क्या बोल रहे हैं, ध्रुव ऐसे बोल रहा है मेरे को घूमी घूमी करा लाओ, पार्क में ले जाओ, बहुत टाइम हो गया, मैं अभी इसको उठाने वाली हूँ क्योंकि फिर रात को इसको नींद ही नहीं आई। ध्रुवी ध्रुवी ये देखो मिठू कैसे बैठा आपके पास, ध्रुव मिठू देखो कैसे देख रहा आपको, ए ध्रुव बहुत ज़्यादा टाइट नींद होती है इसकी इस टाइम शाम को, फिर रात को सोता नहीं है। मैचिंग मैचिंग, चलिए भाई बोलो हाय, बोलो हाय, बने हाय बोल दो, बने किसका बेटा है ध्रुव भाई, मेरे को बचाओ, ताऊ नहीं छोड़ रहा, ध्रुव बचा यार, बने तेरे को कहाँ चोट लग गया, दिखाओ मेरे को, सभी को बताओ, गाइस को बताओ, गाइस देखो गाइस, ध्रुव बने दिखा रहे बेटा, ये देखिए इसको यार लगी फेस वे, थोड़ा सब बच गया बन्नी। ध्रुवे तूने तो नहीं मारी ना बन्नी को, अच्छा कल आपको क्या बन के जाना है स्कूल में, फौजी। फौजी आपकी ड्रेस कहाँ है फिर फौजी की, पापा को बोलो पापा जी स्कूल के आगे, स्कूल के आगे मेरे, पापा को बोलो पापा जी फौजी की ड्रेस लेके आओ मेरी, लड्डू ने फौजी को रोल में लिया, सुनाया बनाई झांसी की रानी हैं, छोड़ो 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 छोड़ो, परेशान हो रहे हो बहुत गर्मी में, उठ जाओ नींद इतनी प्यारी होती है भाई, देखो बेचारे नाइट शिफ्ट करके आए हैं और बच्चे भी साथ में सोने नहीं देते, हाँ ये फाइट होगी शुरू, बाप रे। अरे बने तो इधर आ जा बेटा, तेरे को लग गई थी ना सुबह भी इसके बैठ के, बैठ गंदा, इधर आ जा। तो चाय हमारी बॉयल हो रखी है बहुत अच्छे से, कुल की हो रही है, और गाइस ये वाले बिस्किट ध्रुव नहीं खाता, बोलता मम्मी इसके ऊपर ना बीज लगे हुए, इसको ना इस तरह की चीज़ अच्छी नहीं लगती जिस पे ये लगे होते ना, जैसे कई बार अजवाइन वगैरह होता। ये हमारे
ये देखिए इतना सांता लगा लिया और अभी बस फटाफट से 10 रोटी बनाने में 5 मिनट लगेंगे मेरे को। ये देखिए इस तरह से लंबे लंबे प्याज और इतना सा है पनीर। ये देखिए बस भुर्जी टाइप बन जाएगी, थोड़ी सी दाल बची हुई है जो, और ये दाल जो मैंने दोपहर को बनाई थी, दूध साथ में थोड़ा थोड़ा, और ये ध्रुव, ध्रुव ये मेरा भाई, वो इसका ध्रुव का भाई बनी ध्रुव। मम्मा की वीडियो, पापा जी मेरी मम्मा, मम्मा की वीडियो को क्या करना है, लाइक कैसे करते हैं, कैसे लाइक, गुड बाय। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो मम्मा, आप करके दिखाना लाइक ऐसे ऐसे हाँ लाइक हाँ, वो नीचे करके दिखाना लाइक।